बिहार में जूनियर शिक्षक भर्ती के 31,982 पद हैं। आप उन पदों की तैयारी अब शुरू कर दीजिए। क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, यह आप समझेंगे। और आज से आपकी जो क्लास की वीडियो है वो शुरू हो चुकी है। अभी तक योग्यता, सिलेबस, कैसे विषय का चुनाव करना है, कैसे आवेदन करना है, अपेयरिंग में फॉर्म भर सकते हैं नहीं, इन सभी टॉपिक पर हम लोगों ने बात कर लिया। अब शुरू करना है पढ़ाई, क्योंकि समय कम है और उस समय के अनुसार हमें आपको अपना बेस्ट और बेहतर देना है। सबसे पहला काम, आप अपना टाइम टेबल अपने पास बना के रख लें कि आपकी समय सारणी क्या है। कोशिश करिएगा एक दिन में 10 से 12 घंटे की पूरी शेड्यूल अपनी जो होगी, जो पढ़ने की होगी, उसे आप रखिएगा। उसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि ये जो भर्ती है ये 6 से लेकर 8 तक के लिए है, और ये वही भर्ती दे पाएंगे जो BTC, BEd या DLLD है, और जो सीटेट 5 है ठीक है, नया पेयरिंग वाले भी दे सकते हैं। बाकी जब कंप्लीट विज्ञप्ति आ जाएगी तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन उसके नाते अपनी तैयारी रोके रहना ये गलत बात है। दूसरी, अब तैयारी कैसे करें? अब तो भैया ये भी जान ले, हम लोग को फॉर्म भरना है, नौकरी करनी है, तैयारी कैसे करनी है ये भी जानना हमारे और आपके लिए जरूरी है। तैयारी करने के लिए सबसे पहला काम आपको ये जानना जरूरी है कि आपको आपका स्ट्रांग और वीक जोन क्या है। तो सबसे पहले आप NCERT को फोकस कर ले। अगर आप जूनियर की बात कर रहे हैं, जूनियर की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास जो NCERT कम्प्लीटली होनी चाहिए वो 6 से लेकर 10 तक की पहले NCERT आप कवर कर लीजिए। माने 6 से लेकर 10 तक की NCERT मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये यहाँ पे शायद आपको दिख रहा होगा NCERT बुक में लगे तो ठीक है। ई लर्निंग विद दुर्गेश आप सभी ने जो नोट्स लिया होगा वो नोट्स आप पढ़ लीजिएगा। ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स जो आप पढ़ेंगे NCERT की, ये होगी 6 to 10। अब आप कहेंगे सर जो सीटेट होता है जूनियर का उसमें 6 से 8 तक ही आता है, लेकिन BPSC परीक्षा करा रही है। परीक्षा कौन करा रही है? BPSC करा रही है, और BPSC जो लोक सेवा आयोग है उस परीक्षा का स्टैंडर्ड आप लोगों ने देख लिया कि जो 7वां चरण था उसमें किस तरह से था। तो इसलिए अब आप सबसे पहला काम इस NCERT को कवर कर लीजिए। अगर आप विज्ञान वर्ग में जा रहे हैं, गणित वर्ग में, विज्ञान गणित वर्ग में, तो वहां पर भी सबसे पहला काम 6 से लेकर 8 तक की साइंस मैथ कंप्लीटली नोट्स या बुक आपके पास जो है दोनों पढ़ लीजिए। और अगर आप SST के लिए जा रहे हैं तो 6 से लेकर 8 तक, क्योंकि 6 से लेकर 8 तक में जो SST चलती है वो 3 चलती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स चलती है ठीक, लेकिन इकोनॉमिक जो है वो 9-10 में है। लेकिन यहाँ पर जो SST में प्रश्न आना है वो ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी के साथ साथ हिस्ट्री भी होगा। तो आप इस सेशन को 6 से लेकर 8 तक के पहले तीनों नोट्स को या तीनों किताबों को पढ़ लेंगे और वही काम यहाँ पर भी करेंगे। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे 9 और 10, 9 और 10 इन कक्षाओं की भी NCERT आपको पढ़नी है। इन कक्षा की जो NCERT है वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बिना इनके NCERT पढ़ने आपका सिलेक्शन नहीं होना। ये पूरी NCERT आपको किसी भी दशा में 7 से 10 दिन में खत्म करनी है, 7 से 10 दिन में आपको समाप्त करनी है। इस NCERT को खत्म करने के साथ अगर आपने ई-लर्निंग विद दुर्गेश NCERT के नोट्स अगर आपने लिए होंगे तो एक चीज वहां आपको देखने को मिली होगी कि उस नोट्स में NCERT के क्वेश्चंस आंसर्स भी हैं। तो कुछ चीजें आपको जो थ्योरी में नहीं मिल पाएंगी वो वहां पे क्वेश्चंस आंसर्स में भी थ्योरी के रूप में मिल जाएंगी। और अभी आप देख रहे हैं कि जो परीक्षा के प्रश्न पूछे गए सब NCERT बेस्ड है। तो सबसे पहला काम ये कर लीजिएगा। साइंस वाले, मैथ वाले क्या करेंगे? 6, 7, 8 की साइंस, साइंस में तीनों साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, और मैथ में केवल गणित है। तो इसको पूरा पढ़ ले, क्योंकि गणित में भी जो सवाल आता है उसको आगे सेशन क्लास लेंगे आपको, तो उसमें मैं स्पष्ट रूप से बता दूंगा। और आपके लिए एक एक क्लास गणित की, एक क्लास गणित विज्ञान, एक क्लास SST की मैं प्रतिदिन आपको इसी चैनल के माध्यम से लेकर आऊंगा। इसलिए आप लोग घर से आते वो वीडियो और क्लास आपको मिलती रहे दिन प्रतिदिन प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आपने कितना पढ़ा ये कैसे जानेंगे आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं नहीं, तो उसके लिए ये क्लास होगी। आप टेलीग्राम पर, जो कई बार क्या होता है नोटिफिकेशन आपको नहीं पहुंच पाता, तो टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ जाएगा, जहां पर आपको डेली क्लास की सीरीज मिलेगी। साथ ही साथ क्लास खत्म होने के बाद उसकी जो PDF की सीरीज होगी वो भी आपको शेयर हो जाएगी। इसलिए इस टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको एक ही जगह एक ही बार में मिल जाए। तो टेलीग्राम अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। वही कम SST वालों के साथ होगा, मैंने एक दिन में 2 क्लास हम आपको देंगे। अब तैयारी करने के लिए क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, सबसे पहले जान लीजिए भाषा में आपको अपना समय ज्यादा नहीं देना है।
ध्यान दीजिएगा, भाषा। अब कहेंगे सर जब भाषा में पास सही नहीं होंगे तो हम अगले विषय की तरफ कैसे बढ़ेंगे? भाई कोई तरीका तो नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, भाषा आप आसानी से पास कर जाएंगे। अगर आपके अंदर बीपीएससी परीक्षा क्वालिफाई करके एक शिक्षक बनने की योग्यता है तो आप, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि भाषा में आप 100 प्रश्न में 30 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। 30% या 32 नंबर, 31 नंबर, 30 नंबर भी लाना है, ये 30 नंबर पॉशिंग है। इसलिए आप लोग अपना वो बची हुई एनर्जी भाषा की आप अपने विषय की तरफ लगाइएगा। ध्यान रहे इस बात को, कतई गलती आपको इस बात पे नहीं करनी है। पूरा पूरा ध्यान आपको किस पर लगाना है? भाषा पर लगाना है, सॉरी अपने सब्जेक्ट पर लगाना है। भाषा आप रिवीजन के तौर पर 1 से आधे घंटे प्रतिदिन इंग्लिश और हिंदी के लिए दे सकते हैं, जहां पे आप प्रीवियस ईयर पेपर या कोई प्रैक्टिस सेट हो, जो सरल सवाल हो वो आप वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात करें, बस यही पढ़ना है और यहां से ही पढ़ो, मतलब बस यही पढ़ना है, माने अब आपको सब्जेक्ट की तरफ चलेंगे। तो जो 40 नंबर का सब्जेक्ट होता है वो सभी के लिए निर्णायक होता है। अब उसमें क्या है, 4 में जो स्पष्ट लिखा गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन माने आधुनिक भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल पढ़ना है और इकोनॉमिक्स पॉलिटी नहीं दिया है सिलेबस, लेकिन फिर भी बीपीएससी वहां से सवाल पूछती है। साइंस नहीं दिया है, फिर भी बीपीएससी वहां से सवाल पूछी है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, पिछली बार हुआ है। मतलब आपको साइंस भी पढ़नी है, ध्यान समझिएगा, साइंस भी पढ़नी है आपको, हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, इकोनॉमी भी पढ़नी है और पॉलिटी भी पढ़नी है, कॉन्स्टिट्यूशन से भी सवाल पूछे गए हैं। इसके साथ साथ करंट पढ़ना है। अब ये पूरा करंट है, विविध है, बिहार स्पेशल, पूरा 40 नंबर का सवाल आएगा। कुछ ऐसा भी टॉपिक होगा जो इसमें आपको कठिन लग रहा होगा, उस टॉपिक को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है कि 5 नंबर का टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, तो 35 नंबर कवर करिए, 30 नंबर कवर करिए। माने इस 40 में अगर आप 30 नंबर की मार्जिन लेकर चल रहे हैं तो आप सफलता के बेहद करीब हैं। दूसरी बात यह है, जो 80 नंबर का सेशन होगा, जो SST के अभ्यर्थी हैं वो ये समझ लें SST में उनके लिए क्या क्या चीजें होंगी। SST में इतिहास, भूगोल, संविधान, सिविक, तो अगर आप SST की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा, अगर आप SST की तैयारी कर रहे हैं तो इस 80 नंबर की, तो 40 नंबर का भी पोर्शन आपका स्ट्रांग हो जाएगा। कहेंगे सर कैसे, अब जो यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जो आप हिस्ट्री पढ़ेंगे वो यहां भी तो पूछा जाएगा ना। अब अगर एक छोटा सा सवाल आ जाए कि व्यापगत नीति के वाहक कौन थे, तो यहां भी पूछ सकता है 80 नंबर में भी, और 40 नंबर भी पूछ सकता है, यह जरूरी नहीं है। तो माने जो SST के अभ्यर्थी हैं उनको एक पॉइंट का फायदा है, उन्हें पेपर फर्स्ट में अलग से GS पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो अपने इसी को स्ट्रांग करेंगे, इसका GS आपका तैयार हो जाएगा। साइंस के जो अभ्यर्थी हैं, जब वो साइंस मैथ 80 नंबर पढ़ेंगे तो इस 40 नंबर में भी साइंस मैथ और रीजनिंग है। ध्यान दीजिएगा, इस 80 नंबर के लिए जो गणित पढ़ेंगे वही गणित यहां भी पढ़ना है, अलग से नहीं कि इसकी गणित अलग है, इसकी गणित अलग आएगी, ऐसा नहीं है। अगर आपने गणित पर कमांड कि ये पकड़ आपकी अच्छी है तो यहाँ पर आपको फायदा होगा। माने आप इस 80 नंबर 40 नंबर के सब्जेक्ट को ये डिवाइड कर दीजिए कि किसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, किसके साथ कौन बना हुआ है। मैं भी अगर आपको क्लास पढ़ाऊंगा तो इसी तरह से मैं पढ़ाऊंगा, मैं आपको पूरी लेंथी सब्जेक्ट सिलेबस हिसाब से पढ़ाऊंगा। तब तो भैया 1 महीने में सिलेक्शन हो चुका, 1 महीने में रिविजन नहीं होता, सिलेक्शन क्या खाक होगा। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इस चीज को समझिए, अगर आपको समझ में आता ठीक है, वरना वीडियो आपके काम का नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। इसलिए जिसे कुछ लोग कह रहे एनसीईआरटी नोट्स के लिए, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको पूरी एनसीईआरटी की नोट्स मिल जाएगी, हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम में। क्योंकि देखिए नोट्स जो है वो ओल्ड और न्यू मिलाकर है, मार्केट में अभी एनसीईआरटी लेंगे तो न्यू मिलेगी, अगर आपको किसी को ओल्ड एनसीईआरटी मिल जाए तो बेस्ट है। तो ये जो नोट्स है आपको इलर्निंग विद दुर्गेश पर, वो ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटी मिलाकर है, ठीक है, वो आपके काम आ सकती है। दूसरी बात यह है कि इस दोनों को अगर आप ऐसे मिलाकर पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस अब छोटा हो जाएगा, जब सिलेबस आपका छोटा हो जाएगा तो तैयारी करने के लिए आप अपने आप को ग्रोथ कर पाएंगे, आप अपने आप को और बेहतर कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि कहां से पढ़ो, अब आपने पढ़ लिया, थियरी पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस पर फोकस करिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो। किसी की ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने से बचिए, कोई भी क्लास हो, क्योंकि पैसे देकर क्लास ज्वाइन करने से बढ़िया है अब सेल्फ स्टडी पर फोकस करें, क्योंकि वो पूरी सिलेबस आपको पढ़ाएंगे शुरू से, डे बाय डे, 2, डे 3, डे 4। और हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप उन उन टॉपिकों को पढ़िए जहां से परीक्षा में सवाल आते हैं, माने जिनसे बीपीएससी पूछता है उन टॉपिकों को मत पढ़िए जहां से बीपीएससी में सवाल नहीं है। अब ये नहीं पूछा जाएगा सवाल में कि ताजमहल किसने बनवाया है, ताजमहल की नींव किसने रखी है, तो इस तरह के सवाल को अब नहीं पढ़ना है। ये सवाल अब आउटडेटेड हो चुके हैं, अब आउटडेटेड सवाल को नहीं पढ़ना है आपको, नए टर्म नए हिसाब से इस समय के हिसाब से आपको सॉल्व करना है पेपर, और इस समय के हिसाब से आपको पढ़ना है। अब प्रश्न की जो भाषा होती है ना वो एनसीईआरटी उठाकर पूछते हैं, उठाकर देख लीजिए बीपीएससी का, कोई कोचिंग वाले हो कहीं से कोई हो, कुछ नहीं मिलना है। और एनसीईआरटी सभी की जननी है,
इसलिए इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने सब्जेक्ट को खुद से जोड़ें और अपनी तैयारी शुरू करें, हर एक दिन अपने में नया जोड़े और ध्यान रहे। जैसे गांधी जी से सवाल पूछा जा सकता है, पिछली बार नहीं पूछा इसका यह मतलब नहीं कि इस बार नहीं पूछा जाएगा। आपके लिए गांधी जी इंपॉर्टेंट है तो गांधी जी को पढ़िए। अब नरम दल गरम दल में देखिए किससे परीक्षा में सवाल ज्यादा आता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखिए गांधी जी द्वारा जितने भी सत्याग्रह किए उनको ध्यान से क्रमवार से पढ़िए। अब इस तरह से जब पढ़ेंगे तब आप चीजों को जोड़ पाएंगे और अपनी सिलेक्शन को मजबूत कर पाएंगे। अब कहेंगे सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पिछली बार सवाल नहीं था, क्या इस बार होगा? होगा, ये सब ट्रेंडिंग टॉपिक है, 1857 से सवाल बन सकता है। तो इस तरह के टॉपिक चाहे आधुनिक भारत के इतिहास हो, ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में हमेशा सवाल आता है। अब देखिए ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सवाल ही नहीं आते, कुछ से जरूर आती है। जो ज्योग्राफी का एनवायरनमेंट का सेक्शन है, क्योंकि नोट्स में आपको एनवायरनमेंट भी मिलेगा, इस 40 नंबर में ईबीएस भी है। अगर आपने नोट्स लिया होगा लेनी भी दुर्गेश के तो कंप्लीट नोट्स मिला होगा, भाषा का भी मिला होगा, 40 नंबर का मिला होगा, 80 नंबर का मिला होगा, कंप्लीट आपको नोट्स मिल गया होगा। तो ईबीएस का जो नोट सॉरी ईडब्ल्यूएस मैंने लिख दिया, ईबीएस का जो नोट्स है आपका, इस ईबीएस में जब आप पढ़ेंगे तो ईबीएस ही ज्योग्राफी जुड़ा हुआ है। अब भारत का जो भूगोल अगर आपने पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं पर्यावरण की समझ भी आपकी बन गई। जैसे अभयारण्य सवाल आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान सवाल आते हैं, अब पर्यावरण से भी सवाल आते हैं। पर्यावरण में अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो वहां सवाल आते हैं। अगर आपने वायुमंडल पढ़ा तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, घास के मैदानों सवाल आते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अगर भारत के भूगोल के साथ ईबीएस को जोड़ लेंगे, कम से कम 5 से 7 नंबर का रोल रहता है ईबीएस का, आपने प्रीवियस ईयर पेपर में देखा होगा। तो वो सारे सवाल, अब जैसे ओजोन से सवाल अगर एटमॉस्फेयर से बात करें तो कॉमन अमाउंट सवाल आएगा। तो मैंने भूगोल को भी आप उन टॉपिकों को पढ़िए जहां से प्रश्न आते, जैसे नदी आपने पढ़ लिया, पठार पढ़ लिया, प्रमुख दर्रे आपने पढ़ लिए। अब पूरे दर्रे नहीं पढ़ने हैं, अब कुछ नदियां कौन कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है और कौन सी नदी बंगाली खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदी की धारा सतलुज से बहती है, कुछ उस पर प्रमुख डैम बने हैं उन डैम को आपको पढ़ लेना है। अब मतलब मेरी कहने का मतलब यही है कि अब आप एज ए शिक्षक के तौर पर एनालिसिस करिए कि अब पूरे सिलेबस में भी आपको क्या क्या टॉपिक पढ़नी है, कहाँ कहाँ से पढ़नी है। अभी आप देख रहे हैं यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ था, अब अभी हाल में अगर देखें तो आप फिलिस्तीन और इजराइल से हो रहा है। तो अब मानचित्र में देख लीजिएगा किसकी सीमा किसको स्पर्श करती है, किसकी सीमा किसको नहीं छूती है, पूछा जाएगा इस देश की सीमा किससे छूती है, इस देश की राजधानी क्या होगी। तो अब देश की राजधानी, मुद्रा, संस्कृति, कल्चर भी आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, वो इस 10-40 नंबर में भी पूछ सकते हैं और ये आपके SST में भी पूछ सकते हैं। तो अब आप अगर इस दोनों को SST और मैथ के कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो 80-40 की तैयारी एक साथ कर पाओगे। रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं होती, रीजनिंग प्रेजेंट ऑफ माइंड का बात है और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग उतना बढ़िया स्कोर करेंगे। करंट रटने पर है, आज पढ़े कल भूल जाएंगे। तो करंट 7 से 6 नंबर का है और आपने देखा पिछले पेपर में कितना रोल रहा है, तो करंट को उस हिसाब से पढ़िए। मैंने जिस हिसाब से पेपर में प्रश्न आते हैं उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी भी करनी होगी, नहीं तो आप फिर से अभ्यर्थी की तरह तैयारी करते रहेंगे, भर्ती आती रहेंगे, भर्तियां चली जाएंगी। अब 1,985 पद है और अब की बार एक सीट हमार, अगर आपको अपना सिलेक्शन लेना है, अगर आपको अपनी सीट पक्की करनी है तो आपको एक मेधावी स्टूडेंट के साथ साथ आपको इस तरह से पढ़ना होगा, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना। अगर ये आप एनालिसिस कर लेंगे तो आप शिक्षक बन पाएंगे। और किसी के भरोसे मत रहिए, सेल्फ स्टडी करिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी दुनिया की सबसे बेस्ट स्टडी मानी जाती है। इसके अलावा अगर आप चक्कर में पड़ेंगे तो पैसे भी जाएंगे आपके, और सबसे बड़ी चीज है कि आपका समय बहुत कीमती है। और एज ए अभ्यर्थी, चाहे भाई मानिए, मित्र मानिए, दोस्त मानिए, छोटा बड़ा जो भी मान रहे हैं, एक शिक्षक मानिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा पढ़ना आपको पड़ेगा, किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घुमा देगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेहनत के साथ साथ किस्मत भी बहुत महत्वपूर्ण होती है और किस्मत मेहनत के साथ तभी साथ देगी जब आप मेहनत को किस्मत से मिलाकर चलेंगे। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कहां से नहीं पढ़ना है, इसलिए और हम कोशिश करेंगे 3-3, 4-4, 5-5 घंटे की ऐसी मैराथन क्लास लाएं जहां से आपके सारे सवाल परीक्षाओं में आ जाए। कुछ सवाल आउटडेटेड हो चुके हैं, उन आउटडेटेड सवाल को मत पढ़िए। कई बार यूट्यूब पे प्रश्न लोग कराते हैं, वो सवाल आपको आते रहते हैं, उन्हीं को बार बार पढ़ते हैं। अब कूट वाले सवाल आ रहे हैं, ट्रेंडिंग वाले सवाल आ रहे हैं, इसमें कौन सा सही नहीं है, इसमें कौन सा सही है। अब एक प्रश्न के 4 उत्तर वाले सवाल आते हैं, पहले एक प्रश्न का एक उत्तर हुआ करता था। जैसे पूछ लेता था कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, अब इसकी एक लाइन का उत्तर था, लेकिन अब सवाल बदल चुके, कहेगा निम्नलिखित में कौन सा नहीं है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय यहाँ है, WHO का मुख्यालय यहाँ पे है, और इस तरह से जो सवाल आगे इसमें कौन सा नहीं है, या कौन सा मिलान सही है, या कौन सा जोड़ा सही है, तो इस तरह के सवाल आ रहे हैं, कौन सा इसमें से विषम है। तो
इस तरह के सवाल जब परीक्षाओं में पूछे जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको उस ट्रेंड के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप यही पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा ये मान के चलिए हर बार भर्ती जाए। कई बार क्या होता है, हम जो पढ़कर जाते हैं वही प्रश्न आ जाता है तो लगता है पेपर बड़ा सरल है, माने जो प्रश्न आपको पेपर में आता है अगर वो आएगा तो लगेगा पेपर सरल है, जो आप पढ़कर गए वो पेपर में सवाल नहीं आएगा, पेपर कहते कठिन है। तो जो पेपर की कठिनाई और सरलता होती है ना, वो आपके अंदर ज्ञान आपकी मेहनत के हिसाब से होती है। सपोज दैट आप जब पेपर देने सारे प्रश्न आ रहे हैं आपको, कहें पेपर बड़ा सरल रहा, हमारे तो कुल आवत रहा, हमारा के तो कुल आवत रहा, लेकिन जब तोरा के ना आई तो लगी ये प्रश्नों पेपर हुआ तो बड़ा कठिन रहा, ये तो हमारे उतर नहीं रहा, ये तो कितना कहाँ से सवाल आ गए, तो आपको वास्तव में वो प्रश्न नहीं आ रहे थे तो आपको कठिन लगा। तो प्रश्न सरल है कठिन है, पेपर सरल कठिन है, ये इसका निर्णय आप स्वयं कर पाते हैं और यही सत्य है। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, अगर वीडियो को जहां भी देख रहे हैं, क्योंकि मेरे द्वारा निशुल्क क्लासेस सभी के लिए देशित में राष्ट्रित में होती है और निशुल्क क्लासेस आपके लिए चलती रहेंगी और आगे भी चलती रहेंगी। टेलीग्राम पर अब दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जरूर जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में हो सकता है लिंक मिल जाए। इस चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, इसके अलावा यूट्यूब चैनल है सुपर टेट विद दुर्गेश सर, स्टडी विद दुर्गेश, इन दो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कुछ वीडियो यहाँ आपको मिल जाएंगी कुछ वहां मिल जाएंगी, बाकी यहाँ पर भी क्लासेस चलती रहेंगी, लेकिन आप अपने स्वविवेक का प्रयोग करिएगा और उसी के हिसाब से पढ़िएगा आप, क्योंकि सभी लोग का सभी विषय पे कमांड नहीं होता, लेकिन कुछ लोग का कुछ विषय पे कमांड होता है, जिस विषय पर आपका कमांड है उसे रिविजन करिएगा, बाकी विषय को कोशिश से करिएगा कि ज्यादा समय ना देना पड़े जो आपको आ रहा है, समय उस पे दीजिए जो आपको नहीं है। उसमें भी जो प्रश्न लगता है कि मैं सीखे नहीं पाऊंगा, कुछ ऐसे बैठे हुए लगता है मैं गणित कर ही नहीं पाऊंगा, मुझे गणित नहीं है, तो गणित को स्किप कर दीजिए, बाकी में फोकस करिए, क्योंकि आपको 100 में 100 नहीं लाना है, 100% नंबर नहीं लाना है, सिलेक्शन का आधार 70% 80% अगर नंबर पा गए किसी परीक्षा में तब सफल हो जाएंगे। 120 नंबर का प्रश्न है, अगर 80% मैंने 96, 70% मैंने 84, अगर आप 70% भी नंबर लाते हैं तो आपका आसानी से बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा हो जाएगा, 70% अगर आप अंक अर्जित करते हैं। ये मैं अदर स्टेट के, तभी मैं अदर जनरल की बात कर रहा हूँ, जो अदर स्टेट के भर्ती जाएंगे और जो वहां के भर्ती हैं उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा, कल से आपके सेशन शुरू कर रहे हैं हम, तो अगर आपको कोई सुझाव देना है कि किस विषय से शुरुआत हम करें, साइंस वाले साइंस के सुझाव देंगे, SST वाले SST के सवाल बताएंगे सुझाव कौन से विषय शुरू करें, क्योंकि हम एक दिन में कई टॉपिक कवर करेंगे और कोशिश करेंगे थ्योरी को लेकर चलने का, उसके बाद उससे जुड़े हुए MCQ बाजार से खरीद कर आप सॉल्व करिएगा। कई बार क्या होता है, मैं जो पढ़ाऊंगा जरूरी नहीं वो सवाल परीक्षा में आ जाए, लेकिन उसको पढ़ने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, लगता है ये सही नहीं ये सही नहीं, ये इसका मतलब ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये नहीं है इसका मतलब यही चाहिए, तो इस तरह से अगर प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाएंगे तो ज्यादा प्रश्नों के विकल्प सही कर पाएंगे। बीच बीच में मैराथन, जैसे हिंदी है संस्कृत है अंग्रेजी है, उसकी भी अलग अलग टीचर एक एक मैराथन लेंगे, क्योंकि 3-3, 4-4 घंटे की, 7-7 घंटे की, 8-8 घंटे की होगी, 10-10 घंटे की मैराथन, मतलब एक विषय 8 घंटे में समाप्त, हाँ इस तरह से पढ़ना है, 10 घंटे में एक विषय समाप्त, उसके बाद आप रिविजन करिए, क्योंकि जितना ज्यादा रिविजन करेंगे आपके सिलेक्शन होने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक। और हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, निशुल्क व्हाट्सएप ग्रुप एक है, सॉरी मतलब उस पर सूचनाएं मिलती रहती है, जिस पर क्योंकि एक क्लास नोट से संबंधित नंबर है, उस नंबर को भी लिख लीजिएगा, हो सकता है एक आपके काम आ जाए, या आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले लेंगे, यहाँ पर आपको सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी, 94-51-062-077। टेलीग्राम पर भी जुड़िएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाएगी, और कोई सुझाव कोई फीडबैक हो इस वीडियो में दीजिएगा, लेकिन अब की बार एक सीट हमार का सपना पूरा करना है, यकीन मानिए खुद पर अगर आपने भरोसा रखा और पूरे एनालिसिस करने के साथ आज से अपनी पढ़ाई शुरू की तो सफलता से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, एक नए सेशन के साथ, अब मिलेंगे क्लास के साथ, बहुत हो गई बातें, फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिएगा, बाकी जो सवाल रहेगी संडे स्पेशल में हम लेंगे, क्लास जब भी मैं पढ़ाऊंगा टॉपिक के अलावा इतर शब्द पर बात नहीं करूंगा कि सर मेरा सीटेट वितरण नंबर है, सीटेट अपेयरिंग मान्य होगा कि नहीं, तो मैं वहां पे किसी भी व्यक्ति का जवाब नहीं दूंगा, मैं वहां पर केवल केवल आपको और आपके जो सवाल हैं उसको छोड़कर केवल टॉपिक पर फोकस करूंगा। अगर आपने सवाल के जवाब दिया हाँ सही है नहीं है गलत है, नाम भी नहीं लेता, कुछ लोग नाम सुनने के लिए आते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ मेरा नाम, आप सिलेक्शन के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो हमारे साथ जुड़कर पढ़िएगा, मेरी पूरी क्लासें निःशुल्क आपके लिए रहेंगी और आगे भी जारी रहेंगी। कोई सुझाव कोई फीडबैक को वीडियो में दीजिएगा, वीडियो को सभी मित्रों को शेयर करिएगा, ये करेंगे तो मेरी मदद भी होगी, उन लोगों की मदद होगी, मेरी मेहनत लोगों तक पहुंचेगी और आप उनके लिए अगर
अच्छा बेहतर करेंगे तो ऊपर वाला आपके लिए कुछ बड़ा और बेहतर जरूर करेगा। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बड़ा पद है जिसे बीटीसी बीएड डीएलएड के अभ्यर्थी अगर आप है तो अभी की बार एक सीट हमारा। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।